दोस्तों, डायमंड ज्वेलर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ये बैंड बनाने जा रहे हैं। इसमें क्या है, आपका हनीकॉम सेटिंग है पूरा डायमंड, और इसमें अंदर जो आपका जो फिलिग्री है वो हेक्सागन फिलिग्री है। ठीक है, तो पहले हम इसका रिंग साइज ले लेते हैं। US 7 के हिसाब से बनाएंगे, तो नीचे मैं 2 mm दे रहा हूँ, और हाफ़ और हाफ के ऊपर मैं थिकनेस सेम दे रहा हूँ, 2.5 दे रहा हूँ। ठीक है, हाफ़ तक 2.5 होगा, उसके नीचे 2 mm आ रहा है, क्योंकि नीचे आपका मेटल है, हाफ़ तक डायमंड है, इसलिए हाफ़ में मैं थिकनेस सेम रख रहा हूँ और नीचे ज़रा पतला कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा आईडी हो गया, आईडी और आउटर कर्व। अभी क्या करना है मुझे, डायमंड का रूप मैं पहले बना लेता हूँ। मैं 1.5 के डायमंड के हिसाब से जाऊँगा, तो मैं गैप दे रहा हूँ, आप 0.18 से 0.2 तक गैप दो, क्योंकि मैं फ्लैट में ही डायमंड बिठाऊंगा। ठीक है, तो अगर 0.2 गैप दोगे ना, तो आप डायमंड आपका छिलाई वाले पावे 0.4 नीचे जाएगा, मतलब आप जब भी फ्लो करोगे और थोड़ा सेंटर के क्लोज आएगा 0.4, तो गैप ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसलिए आप 0.2 तक गैप दोगे तो भी देखोगे ना 0.1516 आ रहा है, तो मैं 0.18 गैप दे के कर रहा हूँ, डायमंड टू डायमंड गैप। ठीक है, अभी पहले मैं आउटर कर सर्कल का लेंथ मेजरमेंट कर लेता हूँ। लेंथ मेजरमेंट करके उसका स्टिल लाइन ले लेता हूँ, जो मैंने पहले नहीं लिया था। ठीक है, ताकि कहाँ तक डायमंड बिठाना है पता चले, ऑलमोस्ट हाफ तक बिठाना है। ये थोड़ा सेंटर से हट गया था, तो मैं फिर से इसको मिरर कर देता हूँ, और 2 डायमंड बैठेगा, एक बिठाता हूँ, एक डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका एक लाइन हो गया। अभी इसका दूसरा लाइन जो बैठेगा ना, 2 लाइन के बीच बीच में एक डायमंड बैठेगा, तो आपका इसको मुझे कॉपी कर लेता हूँ। ये ऐसे बैठेगा, आपका 2 के बीच में एक डायमंड बैठेगा, तो दूसरा पार्ट मैं मिरर कर देता हूँ फिर से। सीधा सीधा डायमंड नहीं बैठेगा, या इसको आप आपका हनीकॉम सेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 रो मेरा बैठ गया, 5 रो ही डायमंड है उसमें, तो इसको डायमंड को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाहर अपना छिलाई वाल है, तो हमें छिलाई वाल का पार्ट देना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, या तो बाउंडिंग बॉक्स लेके भी कर सकते हो मेजरमेंट लेने के लिए। 0.6 का ऑफसेट देता हूँ छिलाई वाल के लिए। ठीक है, तो मैं लेंथ मेजरमेंट कर लेता हूँ, अप्रॉक्स कितना लेंथ हो रहा है, 9.35 mm आपका चौड़ाई हो रहा है रिंग टॉप से। ठीक है, तो मैं एक बाउंडिंग बॉक्स ले लेता हूँ, पहले सरफेस बना लिया, बना के इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। मेटल आपको 2.5 mm मैंने रखा था ना फ्रंट व्यू से, तो मेरा 3 mm तक रखोगे तो चलेगा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मैं एक बाउंडिंग बॉक्स ले लेता हूँ, इसका आउटर मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्केल करके बड़ा कर लेते हैं, तो 0.1 का एक ऑफसेट दे दो डायमंड के बाहर। ठीक है, 0.1 जैसे स्केल कर रहा हूँ, फिर इसको 0.2 का एक ऑफसेट दे रहा हूँ जो कि स्लांट है, बाकी आपका 0.4-0.45 का वाला आ जाएगा। ठीक है, इसको 0.4 नीचे करना है, नीचे करके इसका पावे बन गया, ज्वाइन करके। अभी इसके ऊपर मैं फ्लैट में ही डायमंड बिठा देता हूँ, आप ऊपर भी बिठा सकते हो। ठीक है, कार्ब को भी मैं 0.4 नीचे मूव किया। अभी F6 क्लिक करके जेम ऑन सरफेस से मैं
1.5 mm का डायमंड बिठा देता हूँ। ठीक है, एक दो ही बिठाना है, बिठा के आपको मिरर कर करके बिठा देना है तो कि उसमें काम जल्दी होगा। ठीक है, एक पार्ट बैठ गया, इसका भी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कैसे करेंगे, कोई भी पॉइंट्स सेम लाइन का सिलेक्ट करके फिर दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कर देना है दूसरा लाइन का। ठीक है, तो ऐसे मेरा कॉपी हो गया। अभी इसको सेंटर वाला रिमूव फ्रॉम ग्रुप करता हूँ, मिरर कर देते हैं। इसको मैं मिरर कर देता हूँ, तो ये हाफ बन गया मेरा, हाफ साइड बन गया डायमंड। हाफ साइड ही बनाएंगे, बाद में मिरर कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमको, मैं हाफ से स्प्लिट कर देता हूँ। जो मेटल पार्ट मैंने बनाया है ये अभी ज्वाइन नहीं है, तो ज्वाइन करना पड़ेगा। पहले दो पार्ट अलग अलग है, तो पहले मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ये ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लेता हूँ। ज्वाइन करके इसको बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ, हाफ पार्ट में हाफ पार्ट मिरर कर देंगे। ठीक है, अभी इसको फ्लोएलोंग कर्व कर दिया। फ्लोएलोंग कर्व करके इसको बेस का जो आईडी है उससे बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। डायमंड को भी मैं फ्लोएलोंग कर्व कर देता हूँ, चाहे तो आप रिजिड ऑन करके कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने 0.18 गैप लिया था डायमंड टू डायमंड फ्लैट में। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ऐसा ये डायमंड टू डायमंड गैप आ रहा है। ऑलमोस्ट 0.1415 आएगा। ठीक है, एक लाइन रख के सिर्फ देख लेते हैं। फुट जैसा आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको डायमंड टू डायमंड गैप अगर 0.2 कर दोगे इतना, तो ये 0.16 तक आ जाएगा। ठीक है, तो डायमंड को मैंने मिरर कर दिया। अभी एक एक रो में ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप करके प्रॉन्ग बिठा देता हूँ। इसमें 0.55 से 0.6 का प्रॉन्ग डाल सकते हो आप, क्योंकि 1.5 का डायमंड है। 0.55 से 0.6 डालना ही बेटर रहेगा, तो मैं 0.6 का ही प्रॉन्ग डाल रहा हूँ। ठीक है, बाकी रो भी सिलेक्ट करके हम बिठा देते हैं। ठीक है, अब इसको मिरर कर देता हूँ प्रॉन्ग को। दूसरा साइड बिठाने का ज़रूरत नहीं, तो ये मेरा बैठ गया, पूरा सेटिंग हो गया। यहाँ पे गैप आ रहा है, हनीकॉम सेटिंग में यही एक एंड में आपका एक गैप आएगा दोनों में, तो इधर क्या करना है, प्रॉन्ग डाल देना है ताकि मेटल ज़्यादा ना दिखे। सेंटर में एक प्रॉन्ग डाल देता हूँ। ठीक है, इसको मिरर कर देता हूँ, फिर दूसरा साइड में भी इसको मिरर कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, मुझे स्कूपिंग हॉल बनाना है। तो मैं ऊपर से 1 mm का थिकनेस दे रहा हूँ, जहाँ पे आपका जहाँ तक डायमंड बैठा है पावे वाल, वहाँ तक आपको 1 mm जरूरत है। उसके नीचे आपको 1 mm का ज़रूरत नहीं है, उसके नीचे 0.8 0.7 का काफ़ी है। तो मैं वो एक 1 mm का कर्व लिया, एक 0.8 का कर्व लिया। ठीक है, तो अभी एक मैन्युअली मैं 2D ड्रॉ कर लूँगा। हाफ तक आपका 1 mm का कर्व रहेगा, उसके नीचे आपका 0.8 का कर्व मेजरमेंट रहेगा। यहाँ तक 1 mm, इसके नीचे मैं 0.8 वाला कर्व के ऊपर 2D ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि रिंग ज़्यादा हैवी ना होगा। ठीक है,
क्या हो गया, अभी इससे हम बुलियन स्प्लिट कर देंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, कट प्लेन करके पूरा ज़रूरत नहीं है तो मैं बैक कर लेता हूँ, इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, बोथ साइड एक्सट्रूड करके इससे बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ। तो ये दो पार्ट अलग अलग बन गया। अब इससे हम स्केल करके, स्ट्रेट है इसलिए स्केल करके हो गया, तो ये गैलरी बन गया, 0.8 रख रहा हूँ थिकनेस, ठीक है। अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अभी मैं डायमंड लेके आता हूँ, लेके आके इसको बुलियन डिफरेंस करना है, तो डायमंड सिलेक्ट करके लेके आ जाता हूँ, इसको एक एक करके जिम कटर बनाना है। तो F6 क्लिक करके जिम कटर ले लेते हैं, एक एक ग्रो करते हैं, एक साथ लोगे ना तो ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से वो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं एक एक ग्रो ले रहा हूँ। तो ये मेरा जिम कटर आ गया, ये दोनों को मैं सिलेक्ट करके मिरर कर देता हूँ। अभी मुझे बुलियन डिफरेंस करना है, ठीक है। तो ये बुलियन डिफरेंस भी हो गया, तो मेरा मैक्सिमम कम हो गया रिंग का, सिर्फ अभी बाकी है आपका जो हेक्सागन वाला जाली है आईडी पे, वो जाली बनाना है, ठीक है। तो बाकी तो रेडी हो गया रिंग का स्ट्रक्चर, अभी जाली बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, अंदर एक लॉफ्ट बना के एक सरफेस बना लेता हूँ, जो पार्ट में मेरा जाली बनेगा, ठीक है। बाकी पार्ट में हाइड कर देता हूँ, बाकी पार्ट की जरूरत नहीं है। इसको एक डुप्लीकेट बॉर्डर लेके स्विफ्ट कर देते हैं, इस फिर एक्सप्लोर करके स्विफ्ट, क्योंकि कभी कभी लॉफ्ट वाला सरफेस में ना फ्लोलॉन्ग सरफेस बराबर नहीं होता है, तो मैं स्विफ्ट कर दिया करके। अभी इसको स्मैश एक कमांड है, स्मैश कमांड से आपका फ्लैट कॉपी आ जाता है, जो ऊपर जो सरफेस है उसका फ्लैट कॉपी आ गया स्मैश कमांड से, ठीक है। तो इसका भी एक डुप्लीकेट बॉर्डर लेके इसको फिर से स्विफ्ट करके सरफेस बना लेते हैं, डुप्लीकेट बॉर्डर लिया। अभी इसको एक्सप्लोर करके फिर से स्विफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसके ऊपर हेक्सागन है, अभी इसके ऊपर आप कोई भी जाली बना सकते हो, आपको अभी हेक्सागन है इसमें, मैं हेक्सागन बना रहा हूँ। अगर दूसरा कुछ टाइप का बर्फी शेप या मार्किस शेप का जाली रहेगा तो इसके ऊपर आप बना के सिर्फ आपको फ्लो कर देना है, फ्लो कर देना है। तो मैं हेक्सागन बना रहा हूँ, इसमें क्या करूँगा, मैं कटर बनाऊँगा ऊपर, कटर फ्लो करूँगा, फ्लो करके फिर ऊपर मेटल को मैं कट करूँगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करके बिठाना है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा लग रहा है, हेक्सागन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। 0.7 का थिकनेस रख रहा हूँ, बोथ साइड 0.35, अंदर वाले जो कार्ब है इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ, क्योंकि उससे ही मैं कटर बनाऊँगा। तो इसको कॉपी करके बिठा देते हैं, ठीक है। अभी इसको सिर्फ मिरर कर करके इसको पूरा बिठा देते हैं, ठीक है। इसको मैं सेंटर तक थोड़ा स्केल करके ले लेता हूँ, नहीं तो नीचे आपका हाफ पार्ट में ऑफ सेंटर रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा एक सेकंड का जाली बन गया। अभी क्या करना है, कटर बनाना पड़ेगा। तो मैं जो अलग कलर का येलो कलर का लिया था उससे मैं कलर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके उसको एक्सट्रूड कर देता हूँ बोथ साइड। तो ये मेरा कटर बन गया,
ठीक है। अब एक साइड का कटर मैं सिलेक्ट करके मिरर कर देता हूँ, इसको मिरर कर दिया तो ये मेरा कटर बन गया, ठीक है। अभी कटर को सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर लेता हूँ, करके इसको फ्लो अलोंग सरफेस करना है, ठीक है। इसको ग्रुप कर लिया, अभी मैं जो सरफेस था दोनों सरफेस वो लेके आता हूँ, ठीक है। इसको फ्लो अलोंग सरफेस ट्रांसफॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म फ्लो अलोंग सरफेस बेस सरफेस यानी आपका फ्लैट वाला सरफेस और टारगेट सरफेस यानी जिसके ऊपर आपको फ्लो करना है। तो ये मैंने फ्लो कर दिया, ठीक है। इसको सॉलिड कर लेते हैं, सरफेस को 0.8 का थिकनेस देते हैं। तो ये जाली को फिर कटर से बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ, जो हेक्सागन वाला कटर बनाया तो उससे बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। तो ये हेक्सागन सेफ आ गया, ठीक है। अभी इसको बाकी पार्ट में हाइड करते हैं, इसको मिरर कर देता हूँ। तो ये मेरा जाली बन गया पूरा रिंग का। अभी रिंग का बाकी का पार्ट मैं लेके आता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप अलग अलग तरीके का जाली बना सकते हो, इसमें हेक्सागन है सिर्फ हेक्सागन दिया, आप अलग अलग टाइप का बना सकते हो इसमें, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।